नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी कब है, जानिए पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और पर्ण समय क्या है। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी कब है और शुभ मुहूर्त क्या है। हरि प्रेमियों, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ था। उस समय रोहिणी नक्षत्र था। भगवान श्री कृष्ण के भक्त रात को 12 बजे श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाते हैं और हमारी मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वहीं पर महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना से यह व्रत रखती हैं और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को खुश करने के लिए कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं और उन्हें झूला झुलाया जाता है, भगवान को भोग प्रसाद लगाया जाता है। कब है जन्माष्टमी? हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की शुरुआत 6 सितंबर 2023 को दोपहर 3:37 पर हो रही है और वहीं पर इस तिथि का समापन समय अगले दिन 7 सितंबर 2023 की शाम 4:14 पर हो जाएगी। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा मध्य रात्रि 12 बजे की जाती है, इसलिए इस साल भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिन यानी जन्मोत्सव 6 सितंबर 2023 बुधवार के दिन ही मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जो पूजा मुहूर्त है वह इस तरह है कि इस साल 6 सितंबर 2023 बुधवार की रात को 11:57 से 12:42 के बीच जन्माष्टमी की पूजा की जाएगी और मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में हुआ था। 6 सितंबर को रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत सुबह 9:20 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन 7 सितंबर को सुबह 10:25 पर समाप्त हो जाएगी। वहीं पर जन्माष्टमी व्रत का जो पारण समय है 7 सितंबर की सुबह 6:02 या शाम 4:14 के बाद ही किया जा सकेगा। गृहस्थ और वैष्णव जो संप्रदाय के लोग कृष्ण जन्माष्टमी को अलग अलग दिन मनाते हैं, ऐसे में 6 सितंबर 2023 को गृहस्थ जीवन वाले लोग और 7 सितंबर को वैष्णव संप्रदाय के लोग कान्हा जी का जन्म उत्सव मना सकते हैं। जो पूजा विधि है वह इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन वाले दिन सुबह सुबह जल्दी ही स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें और इसके बाद सभी देवी देवताओं को नमस्कार करके व्रत का संकल्प कर लीजिए। रात के 12 बजे से पहले पूजन स्थान पर बैठ जाइए और भगवान श्री कृष्ण को दूध और गंगा जल से स्नान कराइए, नए वस्त्र पहनाइए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी, मोर मुकुट, चंदन, वैजंती माला, सिदल से सजा लीजिए। लड्डू गोपाल को फल, फूल, मखाने, मक्खन, मिठाई, मेवे, मिश्री का भोग अर्पित कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण के सामने धूप और दीप जलाइए और भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारिए और फिर इसके बाद प्रसाद बांट दीजिए। इसके नियम है व्रत के दिन बीच में पूजा के समय नए वस्त्र